नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों सेम का सब्जी बनने जा रहा है। सेम का भुजा जो काफ़ी टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, इससे आप वज़न कम कर सकते हैं डाइजेशन के लिए, या आप अगर आपका सूजन वगैरह है तो ये खा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। और मौसम के अनुसार हमें सभी सब्जी का यूज करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आधा किलो करीब सीम ली हूँ दोस्तों। एक सीम को मैंने दो तीन पीस की हूँ, इसको अच्छे से छील ली हूँ। और इसका छीलने के बाद इसके दो तीन पनीस मैंने साफ भी कर ली हूँ। तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, और खाने के साथ साथ बहुत सारे फायदे भी होते हैं इसके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, और जल्दी से फटाफट बन जाएगा। तो मैंने इधर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों सब्जी, क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर आप गांव से हैं तो आपको पता ही होगा कि गांव के लोग सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इधर ले रही हूँ दोस्तों थोड़ा सा जीरा, सरसों और कलौंजी। उसके बाद तीन चार कलियाँ लहसुन की, दो हरी मिर्च, एक प्याज और एक तेज़पत्ता। इसको हम एक दो मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से भून गए हैं दोस्तों हमारे, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि सीम के साथ भी भून जाए भुनाएगा। तो मैं इसमें डाले दोस्तों सीम। आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप सिर्फ सीम का भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ सीम का बना रही हूँ दोस्तों। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इसको दो तीन मिनट में ढक के पकाएंगे दोस्तों। थोड़ा बिजली से हम चलाते रहेंगे दो तीन मिनट तक, इसको अच्छी तरह ढक के। तो दो से तीन मिनट हो गए हैं दोस्तों हमारे, देख सकते हैं। उसके बाद दो तीन मिनट हो जाएंगे दोस्तों, तब उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इधर मैं मसाले ली हूँ दोस्तों, इसमें धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्च, अदरक और सूखी मिर्च और सरसों और जीरा दोस्तों। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ दोस्तों, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे और करीब, और हम इसको 4-5 मिनट और पकाएँ, ताकि हमारा सीम भी अच्छे से सोख हो जाए और नमक मसाला ये सब अंदर तक जा सके। 4-5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं दोस्तों, और बीच बीच हम चलाते रहेंगे धीमी धीमी आँच में। तो दो से तीन बार हो गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये अच्छे से पक गया है। देख सकते हैं अच्छे से सीख गया है हमारा सीम। और हम करें दो मिनट तक रखेंगे दोस्तों, ताकि ये थोड़ा सा जो है चिपचिपा थोड़ा सा सूख जाए। और मैं डाल रही हूँ दोस्तों इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। बस इसको सिर्फ दो मिनट पका रखते हैं, फिर लगाएँ दोस्तों धीरे धीरे आपने कढ़ाई के चारों तरफ फैला के धीरे धीरे आपने दो से तीन मिनट। उसके बाद हमारा सेम का भुजिया बनकर तैयार है दोस्तों। तो हम इसको धीमे धीमे आते दो मिनट तक और इसी तरीके से सेक लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाते हैं। और ढकना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे से पहले से सीझा हुआ है। देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं अच्छे से कट रहा है। तो दो मिनट तक आ रहा है इसे सेक लगाना है। देखिए दोस्तों, दो मिनट हो गए हैं और हमारे भुजिया एकदम से बन करते हैं। देख सकते हैं कढ़ाई में जैसा सभी मसाला हमारा नहीं चिपक रहा है, तो समझ लीजिए एकदम से हमारा भुजिया तैयार है दोस्तों। देख सकते हैं सारे हमारे सब्जी में सारे मसाले आ गए हैं। तो चलिए अब फटाफट से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म सीम का भुजिया बनकर तैयार है दोस्तों। रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा आपको कि हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे दोस्तों।
मैं यकीन मानिए दोस्तों, रोटी के साथ इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा, पराठा के साथ भी। तो मैं रोटी के साथ खाऊँ दोस्तों, रोटी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों खाने। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे सीम के भुजिया बनकर तैयार है दोस्तों, देख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों अपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। देख सकते हैं दोस्तों कितने अंदर तक हमारे सेम बनकर तैयार हैं।